सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधामा अंजन पोर पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमद के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित गेसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सोवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुन ले को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप हर लंक जरावा भीम रूप धर असुर संगारे रामचंद्र जी काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरस ओर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भर दही सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कह श्रीपति कंठ लगावे सन काज ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा यम कुबेर दिगपाल जहाँति कवि गोविंद कह सके कहाँति उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपथ दीना रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लीलोताए ले जानू प्रभु मोत्र का मेरे मुख माही जलद लांग गए रज रज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते राम दुलारे तुम रखवारे हो देना लहे तुम्हारी सरना तुम रजक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक आप देखा निकट नहीं आवे
महावीर जब नाम सुनावे नासे लोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ज्ञान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है परसेद जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नव निध के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघु पत के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महा सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सागी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा कीजे नाथ हृदय पवन तने संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सियावर रामचंद्र जी की जय लाडले लखन लाल की जय बोलो भागवत भगवान की बोलो श्री व्यास जी महाराज की बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओ मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा ना कोई मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा ना कोई मेरे श्री गुरु ही गोविंद है ना कोई मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा ना कोई है दूसरा ना कोई है दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई है दूसरा ना कोई मेरे दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई ना कोई मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा ना कोई मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा
जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम हे प्यारो राधे तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारो राधे तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा गोरी नित्य किशोरी श्री हरिदास की सुंदर जोरी श्यामा गोरी नित्य किशोरी श्री हरिदास की सुंदर जो दूसरा ना कोई ए दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई रे दूसरा ना कोई हाँ दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई ओ मेरे संत ही भगवंत है दूसरा ना कोई मेरे संत ही भगवंत है दूसरा ना कोई ओ मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा ना कोई मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा ना कोई ओ मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा ना कोई मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा ना कोई चंद्रमा देवत नयन चको अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है श्री गुरु शेष महे सुख सन कादिक नारद आदि श्री गुरु रस के नरे गुरु मूरति मुख चंद्रमा देवत नयन चको अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओ दूसरा ना कोई ए दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई रे दूसरा ना कोई ए दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई रे दूसरा ना कोई ओ मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा ना कोई मेरे श्री गुरु ही गोविंद मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा ना कोई मेरे श्री गुरु ही गोविंद है दूसरा ना कोई करता करे न कर सके श्री गुरु किए सो हो सात दीप नव खंड में श्री गुरु से बड़ा न को श्री गुरु से बड़ा न को श्री गुरु से बड़ा न को बार बार बर मांगो दीजे श्री हरिदास श्री कुंज बिहारिन चरण रज और वृंदावन वा और वृंदावन
दोनों खड़े काके लागो पां, बलिहारी गुरु आपने ओम किए मिला। लाख बार हरि हरि कहो एक बार श्री हरिदास, अत प्रसन्न श्री लाडली देव पिन को बा, देव पिन को बा, देव पिन को बा। पिन बास कियो नहीं जप्यो न श्री हरिदास, पाकू ऐसे ही जानिए जैसे सड़ी कफा, जैसे सड़ी कफा। ए दूसरा ना कोई, ए दूसरा ना कोई, ए दूसरा ना कोई, ए दूसरा ना कोई, ओ मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, ओ दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, ओ मेरे श्री गुरु ही गोविंद भगवंत है, दूसरा ना कोई, मेरे संत ही भगवंत है, दूसरा ना कोई, ओ मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई है, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई है, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई है, दूसरा ना कोई, ओ मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, ओ मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, ए दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद है, दूसरा ना कोई, मेरे संत ही भगवंत है, दूसरा ना कोई, मेरे संत ही भगवंत है, दूसरा ना कोई, मेरे श्री गुरु ही गोविंद, दूसरा ना कोई, मेरे संत ही भगवंत है, दूसरा कोई। बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोलो भागवत भगवान की जय। श्री राधे मोहे गोविंद से मिला दे, मोहे गोविंद से मिला दे, राधे गोविंद से मिला दे, मोहे गोविंद से मिला दे, राधे गोविंद से मिला दे, मोहे गोविंद से मिला दे, राधे गोविंद से मिला दे, मोहे गोविंद से मिला दे, श्री राधे मोहे गोविंद गोविंद से मिला दे, राधे मोहे गोविंद से मिला दे, गोविंद से मिला दे, राधे मोहे गोविंद से मिला दे, मोहे गोविंद से मिला दे, राधे मोहे गोविंद से मिला
भरपूर ये बात तिहारे हाथ है मेरी जीवन हो बात तिहारे हाथ है मेरे जीवन मो रोम रोम आनंद भायो छिन छिन होत भुला कुंज विहार न लाडली सदा हमारे पा कुंज विहार न लाडली सदा हमारे पा राधे मोहे गोविंद से मिला दे मोहे गोविंद से मिला दे राधे मोहे गोविंद से मिला दे मोहे गोविंद से मिला दे श्री राधे मोहे गोविंद से मिला दे गोविंद से मिला दे मोहे गोविंद से मिला दे राधे मोहे गोविंद से मिला दे मोहे गोविंद से मिला गोविंद से मिला गोविंद से मिला दे भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मोहनी पंथ ये पंचम वेद हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ओ यह सुख करनी ये दुख हरनी यह सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन भगवान जी है आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने राम यही घनश्याम यही श्री
श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तार दी भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दी पापियों शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति हरि ओम जगन जगन्मय जंत देवास्तान धर्मान प्रथमान्यासन्न देहनागम महिमान सचंद्र यत्र पूर्वे जाद्याः संत देवाः ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ते गावगोलचम्पकपाटलां पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पैः बेल्वा प्रवालतुलसीदलमञ्जरीः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः राधे 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 जरा जोर से बोलिए ना राधे 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 एक साथ मिलकर बोलिए राधे 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 हम सभी ने सुना है कि अगर भगवान को सच्चे मन से बुलाते हैं तो वो दौड़े दौड़े चले आते हैं तो अपने बुलाने पर भी वो अवश्य आएंगे दौड़ दौड़ के वृंदावन से तो एक बार जरा प्रेम से इतनी जोर से बोलिए कि आवाज़ अपनी वृंदावन पहुँचे और भगवान दौड़े दौड़े चले आए बोलिए एक बार बोलिए सब मिलकर एक साथ राधे 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 यहाँ पधारे हुए सभी बड़ों को मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ व बहनों और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार आज ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारा मित्रा ग्रुप भागवत कथा करवाने जा रहा है भागवत कथा में सबसे पहले मैं हम सभी पर प्रभु का राधे रानी का बिहारी जी का व हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मानती हूँ कि उन्होंने मित्रा ग्रुप को भागवत करवाने का आदेश दिया व कृपा बरसाई उसके बाद में मित्रा फाउंडर्स मित्रा कार्यकारिणी सदस्यों व पूरे मित्रा ग्रुप के सदस्यों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने पूरे हर्षोल्लास के साथ तन मन धन से कदम मिलाकर पूरा सहयोग दिया व हर काम में एक दूसरे का साथ दिया मैं प्रणाम करती हूँ व धन्यवाद करती हूँ गुरुजी श्री मनोज मोहन जी शास्त्री जी का जिन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया और वृंदा उनकी पावन भूमि से यहाँ पधार कर तथा व्यासपीठ पर विराजमान होकर अपनी अमृतमयी ओजस्वी लावण्यमयी व शरणवाणी से हमें भागवत कथा का रसपान कराएंगे मैं यहाँ पधारे हुए सभी मेहमानों का गुरुजी की पूरी टीम का स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ मैं अपने पूरे मित्रा क्लब से बार बार यही प्रार्थना करती हूँ कि भागवत कथा अपना पूरा ग्रुप करवा रहा है आप सभी इस कथा का पूरा आनंद लें व अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को सबको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बुला करके इतना सबको इनवाइट करें कि पूरा हॉल एकदम भर जाए बैठने के लिए जगह ना मिले तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रांगण से कथा का लाभ ले सकें और किसी भी चीज़ की अगर कोई त्रुटि हो जाए कमी हो जाए तो उसको विचार ना करें एक बार वापस राधे 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 एक साथ मिलकर बोलिए ना वापस राधे 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 धन्यवाद धन्यवाद
वर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षमकम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेषं यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुक्षै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तमराधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरिः तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथा प्रसङ्गः मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भूतैर्महदभिर्य इमा पुरो विभुर् निरमायशेते यदमूषपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशषोडशात्मकः सोऽलङ्कृशीष्टो भगवान् वचन्सि मे कृष्णप्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्तपरिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम् हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निःसरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेउ कलेश विकार
जन्म जन्म भूला फिरा माया राम न नाम अब के यह संयोग है जो हम सब सुमिरे आठों या राम तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े दयालु हो श्याम तुम बड़े कृपालु हो श्याम तुम बड़े कृपालु हो नाथ तुम बड़े दयालु हो नाथ तुम बड़े दयालु हो हरिजी तुम बड़े कृपालु हो हरिजी तुम बड़े कृपालु और ना कोई हमारा है और ना कोई हमारा है हमें एक तेरा सहारा है हमें एक तेरा सहारा है ये नैया डोल रही मेरी ये नैया डोल रही मेरी हरि जी अब करो न तुम देरी हरि जी अब करो न तुम देरी राम जी तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े दयालु हो श्याम तुम बड़े कृपालु हो श्याम तुम बड़े कृपालु हो तेरा यश गाया वेदों ने तेरा यश गाया वेदों ने पार नहीं पाया वेदों ने पार नहीं पाया वेदों ने नित नित गाया वेदों ने नित नित गाया वेदों ने सदा ही ध्याया वेदों ने सदा ही ध्याया वेदों ने राम जी तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े दयालु हो श्याम तुम बड़े कृपालु हो श्याम तुम बड़े कृपालु हो भले हैं बुरे हैं तेरे हैं भले हैं बुरे हैं तेरे हैं तेरी माया के घेरे हैं तेरी माया के घेरे हैं चरण के हम सब चेरे हैं चरण के हम सब चेरे हैं प्रभु हम बालक तेरे हैं प्रभु हम बालक तेरे हैं राम जी तुम बड़े दयालु हो राम तुम श्याम तुम बड़े कृपालु हो श्याम तुम बड़े कृपालु नाथ तुम बड़े दयालु हो नाथ तुम बड़े दयालु हो हरि जी तुम बड़े कृपालु हो हरि जी तुम बड़े कृपालु राम तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े दयालु श्याम तुम बड़े कृपालु हो श्याम तुम बड़े कृपालु राम तुम बड़े दयालु हो राम तुम बड़े दयालु श्याम तुम बड़े कृपालु हो बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय मित्र परिवार की सखियों से मेरा एक निवेदन है जैसा कि इस समूह की अध्यक्षा ने भी कहा कई बार कहा जोर से बोलो मिलकर के बोलो
इसमें मेरा केवल एक निवेदन है, जय भाव से जब तक जय न बोली जाएगी, यानी विजयी हर्ष भाव से, तब तक कभी जय हो नहीं सकती। पराजय के भाव से जब जय बोली जाती है तो वो जय नहीं होती है। मैं जानता हूं आज प्रातः काल से आप सब लोग मुंबई की देवियां, इस मित्रा परिवार की सखियों ने अपने निश्चित नियत समय से लगभग लगभग दो दो ढाई ढाई घंटे पहले से तैयार होकर के आप यहां पर इस बजाज भवन में आ गई, और अभी तक आप बैठी हुई हैं। इतना प्रायः मुंबई में धैर्य नहीं देखा जाता है, लेकिन मैं आपके धैर्य का अभिनंदन करता हूं, और अपनी पुनः उसी बात पर आता हूं कि जय जयी भाव से बोला जाए। बोलो शिव वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय, बल्लवाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय, यमुने महारानी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद श्री वृंदावन धाम की जय, श्रीमद भागवत महापुराण की जय, मोटी सेठानी की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण कथा समारोह प्रथम दिवस, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी सुबह भी कहा था, एक लंबे अंतराल के बाद में मेरा मुंबई आगमन हुआ है, और भारत ने इस बीच में, विश्व ने इस बीच में एक ऐसा दौर देखा, ऐसे हम महामारी से निकल करके आए जिसको कि विश्व ने कोरोना कहा, उसमें जाने कितने कितने का रोना इस प्रकृति ने सुना था। दूसरी लहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने किसी निकट या किसी प्रियजन को न खोया हो। यदि हम बांके बिहारी के लिए प्रार्थना करके उनको धन्यवाद दे सकते हैं तो केवल एक धन्यवाद है कि इतनी बड़ी महामारी को झेलते हुए इस विश्व ने, और हम आपको और आप हमको देख पा रहे हैं और भागवत में बैठे हुए हैं, ये मोटी सेठानी और भागवत भगवान की कृपा, बांके बिहारी राधा रानी की कृपा है, इससे बड़ा और कुछ नहीं। मैं मित्रा परिवार इनके लिए हृदय से धन्यवाद ये देता हूं कि इस धनुर्मास में, पौष मास वैष्णवों में धनुर्मास बोला जाता है, और हम सब लोग एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत भगवान के उस दिव्य आराधन महोत्सव सप्ताह के महापर्व में सम्मिलित हुए हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इन सात दिनों में आप लोगों को यह अनुभव हो कि हम वृंदावन में बैठे हुए हैं। आपके सहयोग की अपेक्षा होगी मुझे, और प्यारे कथा प्रेमियों, शक्ति स्वरूपा माताएं और पुरुषार्थ के प्रतीक में मेरे पुरुष भाई लोग बैठे हुए हैं, कभी हम वृंदावन को यहां बुलाएंगे और कभी हम भावना से वृंदावन में पहुंचेंगे।
आप लोगों का आज उत्साह मैंने देखा था। जिस समय श्रीमद् भागवत जी को मस्तक के ऊपर में विराजमान करके हम लोग चलते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई सुप्रीम पावर हमारे ऊपर विराजमान होकर के हमारी रक्षा के लिए कृत संकल्प हो रखी है। क्योंकि श्रीमद् भागवत में और बांके बिहारी में कोई अंतर नहीं है। जो श्री कृष्ण हैं वही बांके बिहारी हैं, वही भागवत है, जो भागवत है वही मेरे ठाकुर हरदास के लाडले बांके बिहारी हैं। कोई भी कथा सुनने से पहले उसका महत्व सुनना परम आवश्यक है। जब तक महिमा का ज्ञान न हो तब तक उस ग्रंथ के प्रति रुचि अभिरुचि और प्रेम प्रीति उत्पन्न नहीं होती है। भागवत क्यों सुने? भागवत के सुनने से लाभ क्या होगा? भागवत के द्वारा प्राप्त क्या होता है? कई कई प्रश्न हम लोगों के हृदय में उत्पन्न होते हैं। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, आप भाई लोगों में और देवियों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उनका दर्शन भी किया होगा और उनकी वाणी भी सुनी होगी। मुंबई में प्रेमपुरी में कई कई महीनों तक उनके प्रवचन होते थे। मेरा सौभाग्य है कि 12 वर्ष की अवस्था में मुझे बालव्यास की उपाधि जिन महापुरुष के द्वारा प्राप्त हुई उन स्वामी अखंडानंद जी के लिए मैंने संपूर्ण भागवत सुनाई है। ये मेरा सौभाग्य है। हम लोग स्वामी जी के लिए कहते थे कि चलती फिरती लाइब्रेरी को देखना हो तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज को देख लें। मैंने सुबह एक बात और भी कही थी कि आप में से यहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिन चेहरों को मैं देख रहा हूं और जो मुझे देख रहे हैं उनके परिवार से मैं किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हूं। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, महाराज स्वामी जी एक बात कहते थे कि लोग पूछते हैं कि भागवत के द्वारा क्या प्राप्त होता है। अरे भागवत मिल गई है क्या अपने आप में कम है? लोग जाने क्या क्या कार्य करवाते हैं, पर मित्रा का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबों का अभिनंदन करता हूं कि जिनके मन में किसी उत्सव को लेकर के विचार उत्पन्न हुआ हो और वो भागवत के रूप में प्रकट हो गया हो। तो स्वामी जी एक बात कहते थे, क्या आप पूछते हो कि भागवत के द्वारा क्या प्राप्त होगा? तो भागवत दो चीज देती है। भागवत की कृपा यदि आपके जीवन में हो तो या तो भागवत आपको उठाकर के गोविंद की गोदी में बैठा देती है या गोविंद को उठाकर के आपकी गोदी में बैठा देती है। भागवत की दो उपलब्धि है। श्रीमद् भागवत के महात्म में जो पहला श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रणाम किया गया, उसमें तीन चीज बतलाई गई, उनका स्वरूप, उनका कार्य और उनका स्वभाव। तो उनका जो स्वरूप है कैसा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा सत, संसार असत। परमात्मा चेद, संसार अचेद। परमात्मा आनंद स्वरूप, संसार निरानंद। लेकिन आप वृंदावन गए होंगे तो प्रेम मंदिर का दर्शन किया होगा आपने, उसके संस्थापक नित्य लीलालीन परम श्रद्धेय श्री कृपालु जी महाराज, दास के ऊपर में उनका बहुत स्नेह था। मुझसे एक बार बोला कि भागवत की कथा में महात्मा का इस श्लोक का अर्थ करते हो? मैंने कहा हां, बताओ क्या करते हो? तो मैंने बतलाया। बोले सुनो, उनका भाव बोल रहा हूं मैं, और उनका भाव यह है परमात्मा सत, परमात्मा चिद, परमात्मा आनंद स्वरूप,
तो जो सत चित और आनंद है उसके द्वारा जो उत्पन्न है वो अचिद, वह निरानंद और वह असत कैसे हो सकता है। परमात्मा यदि सत है तो उसके द्वारा उत्पन्न संसार भी सत है। अंतर इतना है कि भागवत की जब कृपा होती है तो नर में नारायण और देवियों में नारायणी का दर्शन होने लग जाता है। श्रीमद् भागवत का केवल एक प्रयोग है, क्या? दृष्टि परिवर्तन। जिन आंखों से हमें केवल जगत दिखाई पड़ता है उन आंखों से भागवत जगन्नाथ का दर्शन करवा देती है। जिस आंखों से यह अचित संसार दिखता है उसी आंखों से यह संसार गोविंदमय दिखाई पड़ता है। झुका दे सर उसी के आगे, झुका दे सर उसी के आगे, सामने जो भी आ जाए यदि सिजदा ही करना है तो मेरा मालिक सब में रहता है। ये जो दृष्टि देती है वो भागवत है। ये भागवत भगवान का रूप है, भगवान का कार्य विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, भगवान का दैनिक कार्य और भगवान का स्वभाव। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के लिए परमात्मा दूर करते हैं ना, करते नहीं है, होता है, होता है। मैंने आप लोगों से सीखा है, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर किए नहीं है, जैसे जैसे हम पूरब की ओर बढ़ते हैं पश्चिम छूटता चला जाता है, जैसे हम बांके बिहारी की ओर बढ़ते हैं संसार का बांका टेढ़ापन दूर हो जाता है। वो बांकापन, वो टेढ़ापन। एक बार मन में विचार उत्पन्न हुआ, नीम का पत्ता खाया तो कड़वा था। छटाक भर अकल ने कहा कि एक काम करो, पानी की जगह घी और खाद की जगह गुड़ डालो, क्या होगा? नीम मीठा हो जाए। काम चालू कर दिया, घी गुड़ घी गुड़। 6 महीने के बाद में पत्ता खाया तो कड़वा का कड़वा। तब किसी आप जैसे बुद्धिमान ने समझाया कि ये क्या पागलपन है। क्यों? बोले जाको जैसो स्वभाव जायगो जीते, और नीम न मीठो हो ये चाहे सींचो गुड़ घीते। जब संसार की ये सामान्य वस्तु अपना स्वभाव नहीं बदल सकती तो मेरा बांके बिहारी कृपा करने की आदत को कैसे बदलेगा? इसलिए ध्यान देना, हम लोग ब्रजवासियों की एक भावना है, एक व्याख्या है, क्या? परमात्मा श्री बांके बिहारी कुछ दे देते हैं। यदि आप भजन करो कुछ करो तो वो कुछ दे देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जरा भी सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। बांके बिहारी कुछ दे देते हैं पर राधा रानी कुछ देती नहीं है। नहीं देती है वो कुछ? बोले ना, तो वो तो बरसाती है, इसलिए उसका नाम बरसाने वाली है। राधा देती नहीं है, बरसाती है, वो कृपा करती है। और राधा रानी की देखो, कल भी मैंने आपकी कई चीजों को सुना था, मोटी सेठानी का जब आपने मंगल पाठ किया था बहुत आनंद लगा, बहुत दिव्य सुंदर श्रृंगार, क्या कहें। ऐसा लग रही थी कि उस स्थिति का जब दर्शन किया कि मैंने मोटी सेठानी वहां पर प्रकट होकर के अपना मंगल पाठ खुद सुन रही हूं। लेकिन आज मैं आपको 7 दिन के लिए रस सरोवर में डुबाने के लिए बैठा हुआ हूं। एक एक दिन बीतेगा, सरोवर की गहराई बढ़ेगी और धीरे 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 आपको मैं उस गहराई में लेकर जाऊंगा।
और ये जो बैठे हुए हैं ना सामवेद के उपासक, जब राधा रानी का भजन करें तो सच कहूं राधा रानी की सखियों के रूप में आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दूसरी की शक्ल देख, पहले तू खड़ी हो, पहले तू खड़ी हो, ये क्या। और बहुत सी तो ऐसी क्या बहना, पैर में बहुत जोर का दर्द है, चल कर क्या है ना। भूल जाओ कि हम कहां पर हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था कभी वृंदावन को बुलाऊंगा और कभी वृंदावन लेकर के भावनात्मक लेकर के चलूंगा। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे परमात्मा के लिए हम प्रणाम करते हैं। और एक बात ध्यान रख लेना, जहां पर श्री कृष्ण आए वहां पर केवल कृष्ण नहीं है, श्री माने किशोरी जी और कृष्ण माने हमारे बांके बिहारी। यदि केवल कृष्ण हो तो बोले कृष्ण में ककार, यदि कृष्ण है तो नीचे रीकार की जो मात्रा है ना वो हमारी किशोरी जी है, वो प्रियाजू है, वो श्यामाजू है। धन्य है वृंदावन, धन्य है श्यामाजी। श्री कृष्णाय वयम नमः। राधा रानी के भगवान कृष्ण के लिए प्रणाम कौन करता है? व्यास ना, श्रोता ना, ना तो हम सब। दोनों का अपना अपना स्वार्थ है। वक्ता अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कथा सुनाता है तो श्रोता अपने कान और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए कथा सुनते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। तो उन प्रभु श्री कृष्ण और श्री राधा जी के लिए हम लोग प्रणाम करते हैं। और उसके बाद में सभी संत एकत्रित हैं। सूत जी महाराज विराजमान हैं, शौनकादिकों ने उनको प्रणाम करके प्रश्न किया, गुरुदेव अब आपसे कथा नहीं सुनना चाहते। कथा तो बहुत सुनी, क्या सुनना चाहते हो? कृष्ण कथा सारम, उन परमात्मा श्री कृष्ण की कथा का सार सुनाइए। सूताक्ष ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। कानों का रसायन। गुरुदेव नहीं बोले, संसार में देखने को मनुष्य मनुष्य है, प्रजापति के कर्मों पर विचार करते हैं तो असुर बन गया है। गुरुदेव नहीं बोले, गुरुदेव कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके कामना करो उसे पूरा करता है, चिंतामणि चिंतन करो उसे पूरा करती है, पर गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यदि गुरु कृपा हो जाए तो जो अप्राप्त है उसकी भी प्राप्ति गुरु कृपा से होती है। और अब गुरु बोले, एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बहुत श्रुत हैं, यानी बहुत कथाएं अलग अलग महापुरुषों के द्वारा सुनी है। कथा का भी जन्म होता है। कथा का जन्म कब होता है? मानस देखिए, श्री भोलेनाथ बैठे हैं, सामने पार्वती बैठी है। पार्वती कौन है? श्रद्धा। शंकर कौन है? विश्वास। जब वक्ता विश्वास की छाया में बैठे और श्रोता श्रद्धा के आसन पर बैठे तो
तो श्रद्धा के द्वारा कथा भगवती का प्राकट्य होता है। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। गुरुदेव, और गुरुदेव ने कहा कि सुनो शिष्यों से कि सुनाऊंगा तो सही कथा, पर कथा कैसी होगी मुझे मालूम नहीं, आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन बंसी वाले मेरे कन्हैया को अवश्य पसंद आई। कृष्ण संतोष हेतुकम। श्री श्री आनंदमयी मां श्रीमती इंदिरा गांधी की गुरु, वो एक बात कहती थी, क्या कि हरि कथा कथा आर्षभ व्यथा वृथा। कथा तो हरि कथा है, हरि कथा कथा आर्षभ व्यथा वृथा, और सब व्यर्थ है वृथा है। और उसके बाद में ये भागवत कथा का प्राकट्य कब हुआ, जब व्यक्ति काल रूपी व्याल के गाल में समाता हुआ चला जा रहा था, तब ये भागवत श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के लिए सुनाई। कथा हो रही है, देवताओं को मालूम पड़ा, सोने के कलश में अमृत लेकर के चले आए राजा परीक्षित के पास में। मृत्यु के भय से भयभीत हो, अमृत पियो, कथामृत का हमें पान करने दो, स्वर्ग के अमृत का तुम पान करो। राजा परीक्षित ने कहा अब तो गुरु जाने के क्या करना है, जीवन में अपने जीवन के संबंध में हां और ना का दायित्व तब तक है जब तक किसी महापुरुष के चरणों में समर्पण न हो जाए। जब समर्पित हो गए तो अब तो गुरु जाने क्या होगा। सुखदेव जी ने देवताओं को विदा कर दिया, आप इसके अधिकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि कथा का मूल कुछ नहीं हो सकता है, कथा अमूल्य है। देवता गए, ब्रह्मा जी से कहा आप जरा देखिए आपके वंश का बालक पाराशर ऋषि की परंपरा में सुखदेव, उन्होंने हमारे लिए कथा से वंचित कर दिया। बोले प्रणाम की प्रतीक्षा करो। 7 दिन की भागवत पूरी हुई, राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, तब ब्रह्मा के लिए आश्चर्य हुआ कि एक छोटा सा ग्रंथ जिसके सुनने से राजा का मोक्ष हो गया। उठाया तराजू, एक पढ़ले में भागवत, एक पढ़ले में अनेक अनेक ग्रंथ है, और जो तराजू उठाया जिस पढ़ले में भागवत रखी हुई थी वो पढ़ला नीचे लग गया। इतना तेज कहां से आया, इतना वैभव। अब ये कंप्यूटर युग, आजकल के बच्चों को यदि ये कहो कि तराजू के एक पढ़ले में भागवत और एक पढ़ले में सारे ग्रंथ है, तराजू का पढ़ला वो जिसमें भागवत रखी है वो नीचे लग गया, उनको आश्चर्य होगा। लेकिन इसका अभिप्राय क्या है, भागवत भक्ति का ग्रंथ है, और जिसके जीवन में विनम्रता भक्ति आती है उसके जीवन में विनम्रता आती है, और जिसके जीवन में विनम्रता आती है उसका ये मस्तक रूपी पड़ला तो झुकता ही है। श्री तुलसीदास जिनकी कथा में स्वयं श्री हनुमान जी बैठते थे, और जिनके घिसे हुए चंदन को राम लक्ष्मण लगाते थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घेसे तिलक देते रघुबीर। और ऐसे तुलसीदास मानस में क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अद्भुत वर्णन किया है। सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, प्रणाम जोर जोग पानी कर।
करहु प्रणाम जोर जोग पानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी सिय राम माय सब जग जानी सिय पहले भागवत की सत्ता नहीं होती थी, वर्ष पारायण, मास पारायण, पक्ष पारायण। भागवत की सप्ताह के प्रचारक तो देवर्षि नारद है। एक बार ऐसी घटना हुई कि देवर्षि नारद घूमते हुए जा रहे थे, सामने से सनकादि कुमार आ रहे थे। उन्होंने देखा, अरे छोटे भैया, अरे बड़े भैया नारद, तुम हमारे छोटे भाई हो, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों? हरि का दास कभी ना हो उदास, ऐसा श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे। हरि का दास कभी ना हो उदास, और हरि का दास है उदास तो कोई कारण भी होगा खास। क्या कारण है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कोद चिंता करो भवान त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतस्यागमनं तव। कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? आपका चेहरा उदास है। बोले मैं भ्रमण करता करता बड़े तीर्थों में गया, कोई चित्त में शांति नहीं। तीर्थों में जाकर के चित्त में शांति मिलेगी ये सोच करके मैंने तीर्थाटन किया। पर एक बात ध्यान रख लेना देवियों और बंधुओं, जब तक आपके हृदय के अंदर चित्त में शांति नहीं होगी, वो तीर्थों में भी आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके यदि हृदय के अंदर शांति का बीज है तो वो तीर्थों में जाकर के वैभव को प्राप्त होगा, प्रकट हो जाएगा। और उसके पश्चात में बड़े भैया ने पूछा कि छोटे भैया कहां कहां गए थे? बोले काशी, हरिद्वार, रामेश्वरम, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। लेकिन उसके बाद में घूमते घूमते में श्रीधाम वृंदावन में आया। यमुना के तट पर कलकल निनाद करती हुई यमुना भगवती प्रवाहित हो रही थी, कालिंदी। वहां पर एक देवी बैठी हुई थी, दो गोदी में वृद्ध पड़े हुए थे। उसने मुझे आवाज दी, नारद जी, नारद जी। मैं उसके पास में गया, देवी आप पहचाना नहीं? मेरा देवी आपका परिचय? मैं भक्ति। भक्ति? हाँ, तो तेरी ये दशा? देवर्षि ये देख रहे हैं, ये तेरी गोदी में कौन है? बोले मेरे पुत्र, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। तो इनकी ये दशा बताती हूं मैं। उत्पन्ना द्रविणी साह वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कुछ दिन रही और अपने दोनों बच्चों को लेकर गुजरात में गई तो तीनों के तीनों बूढ़े हो गए। अब आप विचार कीजिए, कोई गुजराती भाई बहन अगर इसे सुने तो उसको कितना कष्ट होगा कि क्या गुजरात ऐसी जगह है जहां पर सनातन की बंपर जीत हो 156 और उसके लिए ऐसा।
तो जरा ध्यान दीजिएगा, दर्पण क्या है? हृदय। हमारे हृदय में भक्ति सबसे पहले उत्पन्न होती है। मित्रा की सखियों ने मीटिंग की, सबों ने कहा हमारे हृदय में यह विचार हुआ है कि आपके हृदय में जो भागवत का विचार है हम सब उसका समर्थन करती हैं। हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। उत्पन्ना द्रवणी साम। अब कथा प्रारंभ हुई। एक दिन दो दिन कथा सुनते सुनते वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक क्या? कान ही कर्नाटक है। कथा सुनने के बाद में चित्त वृत्ति का परिवर्तन होता है। महाराष्ट्र क्या है? हमारा पूरा शरीर। कथा सुनने के बाद में हाथ चाहते हैं कि कुछ सेवा कर लें, पैर चाहते हैं कि चलो गिरिराज जी की तो परिक्रमा देंगे ही, दूसरा बोला कि न कैसे दे पाएंगे, अब तो हमारे शरीर की ये हिम्मत नहीं है। बोले कोई बात नहीं, टुक टुक रिक्शे में ही बैठ करके, ई रिक्शे में बैठ करके दे लेंगे। कोई कहता है आंखों से दर्शन तो हो जाएगा, कोई कहता है कि कान हमारी कथा सुनेंगे, पूरा शरीर। महाराष्ट्र और गुजरात, प्यारे प्रभु प्रेमियों में किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, गुजरात। गुजरात उसे कहते हैं जो रात भगवान के भजन के बिना गुजर जाए वो गुजरात है। इसलिए ध्यान रखना रात्रि में, अब आज से कम एक संकल्प ले लो कि रात को गुड नाइट कह के नहीं सोएंगे। राधे राधे, जय बांके बिहारी की, जय बाबा की, जय दादी की, जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जो। और गुड नाइट से बहुत ज्यादा प्रेम हो तो प्लग में लगा करके स्विच ऑन करके चैन से सोइएगा। और प्रातः काल उठो तो राधे राधे, जय सिया राम, जय बिहारी जी की, जय बाबा की, जय दादी की। और गुड मॉर्निंग से बहुत ही ज्यादा प्रेम हो तो सुबह उठ करके गरम गरम एक प्याले में डालकर पी जाइएगा। बोलो प्यार से एक बार श्री राधे। हाँ, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि जिससे कथा सुने उसको दक्षिणा देना आवश्यक है, क्योंकि जिससे कथा सुने उसको दक्षिणा न दे तो कथा सुनना व्यर्थ हो जाता है। अब आप दक्षिणा क्या देंगी? मुझसे कई बार श्रीमती निर्मला जी जालन ने जब कथा तय हुई तो पूछा आपकी दक्षिणा क्या होगी। मैंने कहना व्यवस्थाओं की तो मैंने सारी चीज बता दी, लेकिन कभी अपनी दक्षिणा के मैं इतना ही लूंगा तो दक्षिणा के बाद में कथा करूंगा, ये तो मेरा स्वभाव कभी से नहीं रहा। और ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो ये न चाहता हो कि अधिक से अधिक मिले? तो रोजाना की रोजाना मुझे आप दक्षिणा दे दीजिएगा प्लीज। अब मैं आपसे दक्षिणा मांग लेता हूं। क्या दक्षिणा है? वैसे तो और तो सब ठीक है, ठाकुर जी की पूर्ण कृपा है, पर गद्दी से जब राधा नाम का उच्चारण हो तो उस घोष को उद्घोष बनाने का कार्य आप ये कर लीजिएगा, ये मुझे दक्षिणा चाहिए। और ये राधा नाम कभी भी बुलवाया जा सकता है, कितनी बार भी बुलवाया जा सकता है, कृपया सजग रहिएगा। बस जब आवाज निकले राधा नाम की, बोलो एक बार प्यार से श्री राधे, बस ये दक्षिणा। श्री धाम वृंदावन में आई मैं। भक्ति ने कहा मैं श्री धाम वृंदावन में आई तो वृंदावन में आते ही एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। क्या? मैं वृद्धा से युवती हो गई, पर मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वो वृद्ध के वृद्ध रहे हैं। ओ धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन है वृंदावन की भूमि। नारद जी, अब इतिहास दोहराना है आपको क्या? हमें मालूम है कि आपने दो का उद्धार किया था, पहले किसका? प्रहलाद और ध्रुव।
और अब दो का उद्धार करना है, कौन? एक ज्ञान, एक वैराग्य। देवी दुखी मत हो, वो परमात्मा कहीं गए नहीं है। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम गमेशति। देवी उन परमात्मा का स्मरण करो जिन्होंने डूबते गजराज की रक्षा करी, जिन्होंने भरी सभा के बीच में द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने बिल्वमंगल के ऊपर में अपना अनुग्रह किया। बिल्वमंगल पत्नी का नाम था चिंतामणि, अपने पीहर गई, बिल्वमंगल भी चल दी। बिल्वमंगल बड़े बहुत योग्य, जिन्होंने कृष्ण करणामृत लिखा चल दिए। पत्नी के पास में जब पहुंचे अपनी ससुराल, तो पत्नी ने कहा जितना प्रेम मेरे प्रति है उसके आधे का आधा यदि ईश्वर के प्रति होता तो आपका उद्धार हो गया होता। बस बात लग गई। प्यारे प्रभु प्रेमियों एक बात ध्यान रख लेना, जीवन में टर्निंग पॉइंट कब किसके द्वारा कहां पर आएगा यह किसी को नहीं मालूम। कहो तो जीवन निकल जाए, और कहो तो अपने घर के बच्चों के मुंह से निकला हुआ एक वाक्य आपको अंदर तक झकझोर दे कि छोटा सा बच्चा भूल क्या गया। बिल्वमंगल चल दिए, एक धनाढ्य परिवार में पहुंचे। भिक्षाम दे ही सेठानी निकल करके आई, भेंट दी, भिक्षा दी, दृष्टि सेठानी के ऊपर चली गई, खड़े रहे। सेठ जी निकल करके आए, बाबा कैसे खड़े हो, बोले एक बार सेठानी को बाहर भेजो दोबारा। दोबारा निकल करके आए। भक्तमाल में ये कथा का वर्णन आता है, जब बिल्वमंगल का चरित्र, बिल्वमंगल को भागवत कहा और भक्तमाल में उस सेठ को परम भागवत कहा। ये परम भागवत है, परम वैष्णव है। और जब दोबारा सेठानी निकल कर के आई, बिल्वमंगल ने दो कांटे हाथ में ले रखे थे, देखते देखते आंखों में डाल लिए। इन आंखों ने मुझे मेरे गोविंद से अलग कर दिया। खून की धारा निकलने लगी। वृंदावन कोई पहुंचा दे, मुझे वृंदावन पहुंचा दे कोई। अंधे की लकड़ी कौन पकड़े, आंख वालों के लिए रास्ता बताने वाले बहुत मिल जाते हैं। आगे चल करके लेफ्ट लीजिएगा, राइट लीजिएगा। लोगों ने अंधों की लकड़ी पकड़ी है पर पकड़ करके छोड़ दिया। ये दुनिया की आदत है, यहां पर पकड़ते ही छोड़ने के लिए है। यहां पर पकड़ने के लिए कोई नहीं पकड़ता है, छोड़ने के लिए पकड़ती है। जिसको हमने देखा कि इसने पकड़ा उसने छोड़ दिया, उसने पकड़ा उसने छोड़ दिया। बिल्वमंगल चले, ठोकर लगी, जमीन में नीचे गिर पड़े, आंखों से खून की धारा बह रही। बिल्वमंगल ने पुकारा, जन्म बंध प्रभु क्यों कियो, मैं कहा तेरो नाम, सहस नयन बारे बता अब मैं कित को जाऊं। तेरे नयन बतावते सूर्य चंद्र को राह, बिनु अखियां बारे न ते तो तू क्यों बेपरवाह। 10 वर्ष के बालक का रूप लेकर के बांके बिहारी पहुंच गए, लाठी पकड़ी, बाबा चल मैं पहुंचाए दूं तो वृंदावन। और जो काष्ठ की लकड़ी का स्पर्श किया शरीर में रोमांच। बिल्वमंगल चौंके, लकड़ी का स्पर्श
और शरीर में ये आनंदातिरेक ये कौन है, दो दो अंगुल करके लकड़ी को लाठी को पीछे किया और जो गोविंद का हाथ पकड़ा, हाथ छुड़ा करके अंतर्धान। बिलो मंगल बिलख पड़े, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोय, हृदय ते जब जाओगे तो सवल गिनूंगो तोय। हस्तमुत क्षिप्य जातोसी किमाश्चर्य किमद्भुतम, हृदयात यदि निर्यासी पौरुषम गणयामिते। और प्यारे प्रभु प्रेमी एक बात ध्यान रखना, जब परमात्मा किसी एक इंद्री को लेता है उसकी शक्ति दूसरे में दे देता है। जिनकी बाहर की नहीं होती उनकी अंदर की खुल जाती है। जिनको प्रज्ञा चक्षु कहा जाता है, हम लोग आपस में कहते ना कि इसका सिक्स सेंस कितना कमाल का है, वो सिक्स सेंस खडैश्वर्य, भगवान के भी छह ऐश्वर्य हैं, ये सिक्स सेंस है, उसके भी सिक्स ऐश्वर्य हैं, उसकी कृपा से ही मिलता है। और अब भक्तमाल में तो ये वर्णन आता है कि जब बिल्वमंगल ने कहा कि आपने मुझे छोड़ दिया, तो प्रभु ने कहा कि प्रभु जब छोड़ते हैं तो वृंदावन में ला करके ही छोड़ते हैं, कभी बीच में नहीं छोड़ते। और आइए चलते हैं आपको लेकर के, आगे आगे बिल्वमंगल और उनके पीछे पीछे अपना हम लोग चलते हैं आपको लेकर के, शायद बांके बिहारी मिल जाए। आओ बड़े भाव के साथ में, चल वृंदावन धाम, बड़े भाव के साथ में, बड़े आनंद के साथ में। और फिर मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, जब बिल्वमंगल के संग चलना है तो आपको अपनी अपनी जगह से भी यहां तक तो आना ही पड़ेगा ना। आओ बड़े भाव से, श्री राधे चल वृंदावन धाम, बोलो राधे राधे श्याम, 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 छोड़ जगत की आसर पगले भजले हरि का नाम, छोड़ जगत की आसर पगले भजले हरि का नाम, चल वृंदावन धाम, बोलो चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम, बोलो चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम, बोलो राधे राधे श्याम, चल वृंदावन, जय हो राधे राधे श्याम। We'll be right back.
क्या करेंगे वृंदावन में जाकर के? प्रात होत करके प्रणाम श्री यमुना जी में नहाएंगे। हाँ यमुना जी में नहाएंगे। हाँ यमुना जी में नहाएंगे। ब्रज रज को दे तिलक नित्य ब्रज रज में लोट लगाएंगे। मिले प्रसादी ब्रजवासिन की जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। जय जय कुंज बिहारी जय जय विठल विपुल बिहारिन दास। जय जय विठल विपुल बिहारिन मिले प्रसादी ब्रजवासिन की भागे किल विशका। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। चल वृंदावन धाम जय हो राधे राधे श्याम। चरण चित लाय नित्य ही परिकम्मा को जामेंगे। हाँ परिकम्मा को जामेंगे। हो परिकम्मा को जामेंगे। लिए सुमरनी कर में मुख सो राधा राधा गामेंगे। श्री राधा राधा गामेंगे। श्री राधा राधा गामेंगे। राधा वल्लभ करे मंगला। राधा वल्लभ राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरि वंश। जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद। राधा वल्लभ करे मंगला हे सब सो निष्काम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे सुने भागवत नित्य नित्य जीवन को सफल बनावेंगे। जीवन को सफल बनावेंगे। जीवन को सफल बनावेंगे। देखे लीला रास सदा प्रेमी भक्तन संग जावेंगे। प्रेमी भक्तन संग जावेंगे। प्रेमी भक्तन संग जावेंगे। करे आरती बिहारी जी की ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम कोरी जाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम कोरी जाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। करे बिहारी जी की सेवा कुंज विश्राम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम। जय हो।
कोई रंग जी रथ को मेला नई नई चले सवारी है हाय नई नई चले सवारी है हाय नई नई चले सवारी है अक्षय तृतीया चरण दर्श को भीड़ है रही भारी है हाँ भीड़ है रही भारी है हाँ भीड़ है रही भारी है रथ यात्रा झूला सावन लखियो झूला पे झूले रथ यात्रा झूला सावन लखमन पावे विश्राम वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम पिचकारी सगा संगले मनमोहन जब आमेंगे हाँ मनमोहन जब आमेंगे हाँ मनमोहन जब आमेंगे हर गुलाल की मूठ सखी जन ग्वालन पे बरसामेंगे ग्वालन पे बरसामेंगे ग्वालन पे बरसाएंगे वृंदावन में होरी खेले हो आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे पर जोरी रे रसिया होरी रे पर जोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया वृंदावन में होरी खेले दोनों श्यामा श्याम चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे भैया चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो बोलो राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम बोलो चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री चल वृंदावन धाम बोलो राधे राधे श्याम बोलो छोड़ जगत की आसर पगले भजले हरि का नाम बोलो राधे राधे श्याम श्याम बोलो वृंदावन की भूमि दिव्य है यत्र प्रविष्टो जिस भूमि में प्रवेश करते ही आप कभी अनुभव कीजिएगा
जब आप कभी परिक्रमा मार्ग के अंदर प्रवेश करेंगे वृंदावन में, एक अलग अलग आनंद। यात्रा प्रविष्टो सकलोपि जन्तु आनंद सत चित घनताम उपैति। यत्र प्रविष्टो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारा यण वासुदेवा। हे नाथ नारा यण वासुदेवो हे नाथ नारा यण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवो हे नाथ नारायण वासुदेवो। वृंदावन की भूमि में प्रवेश करते ही हमारे रसिक आचार्यों ने वर्णन किया है, मनुष्य हो जरूरी नहीं, सकलोपि जंतु आनंद सतचित घनताम उपैति। वृंदावन के बीच में भक्ति युवती हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य के लिए चेष्टा करने के बाद में भी देवर्षि नारद सफल न हो सके, आकाशवाणी हुई सत्कर्म कीजिए। अब सत्कर्म कहते किससे हैं? देवर्षि नारद चल दिए, सनकादिक कुमार मिले और उनसे प्रश्न कर दिया, बड़े भैया सत्कर्म किससे कहते हैं? देवर्षि, सत्कर्म तो वैसे सभी हैं, किंतु आपके लिए जो सत्कर्म कहा है वह कुछ और नहीं, वो श्रीमद् भागवत है। तो आप जैसा सुनाने वाला भागवत और कोई मिलेगा कहां? यद दर्शनम च विनिहंत्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भव दुख दवार्दिता नाम। आप अनवरत भगवान शेष के द्वारा भागवत सुनते रहते हैं। निशेष शेष मुख गीत कथैक पाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोऽस्मि। भागवत कहां हुई? हरिद्वार। भागवत का उद्देश्य क्या है प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बात ध्यान दे लीजिएगा, भागवत का उद्देश्य, भागवत का कीर्तन, भागवत का संकल्प श्रीमद् भागवत ने बतलाया है। भागवत का उद्देश्य क्या है? ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें भी यज्ञ में जैसे आहुति डाली जाती है, इसमें भी आहुति है। कहां? बोले कानों में जो श्लोकों की आहुति है वो हृदय के हवन कुंड को शुद्ध कर देती है, वातावरण को शुद्ध कर देती है। कानों के द्वारा जो आहुति हृदय के हवन कुंड में पहुंचती है, हृदय निर्मल हो जाता है। सब लोग दौड़ते चले आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। कब सुननी चाहिए भागवत? सदा से व्या श्रीमद भागवती कथा। और एक बात और, जब भागवत होती है तो स्वयं बांके बिहारी भी वहां पर आते हैं। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सलः। देवर्षि नारद ने भगवान से प्रश्न पूछा कि प्रभु आप कहां मिलते हो? विश्व का सर्वप्रथम पहला पत्रकार, खोजी पत्रकार, छिपाता नहीं है, छापता है। यदि आपसे कोई बात करनी हो तो मुझे आप कहां मिलेंगे? भगवान ने कहा आदमी दो जगह मिलता है, कहां? या तो घर पर या ऑफिस में। नारद जी ने कहा यदि आप दोनों जगह में से कभी कहीं ना मिलो तो घर कहां है और ऑफिस कहां है?
बोले घर तो क्षीर सागर है और ऑफिस है वैकुंठ है, यदि दोनों में से कहीं न मिले तो बोले कि स्त्रियां किट्टी पार्टी में और आदमी अपने क्लब में, यदि कोई मिलेगा तो कहां, यदि देवियां हाउस में नहीं मिलेंगी तो कहां मिलेंगी, बोले हाउसी में मिलेंगी। आपके मित्रा में भी तो होता होगा कभी कभी हाउसी जो बोलो प्यार से एक बार श्री राधे। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं आपको ये निवेदन कर दूं, 7 दिन में बिना प्रमाण की कोई भी चीज मैं नहीं बोलूंगा। प्रमाण किसी शास्त्र का होगा, किसी संत का होगा। तो भगवान ने कहा मैं घर पर न मिलूं और ऑफिस में नहीं मिलूं, तो फिर बोले अपने क्लब हाउस में मिलूंगा। अब आप ये प्रमाण देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान खुद कह रहे हैं, नारद यदि मैं इन दोनों जगह न मिलूं तो क्लब कहां है। बोले मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त मिलकर जहां पर कथा सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, उन लोगों के बीच में नाचता और भजन सुनता और कथा सुनता तुमको मिल जाऊंगा। भगवत गीता का प्रमाण, मैं वहां रहता हूं, मैं वहां बैठता हूं और भगवान वहां पर। श्रीमद् भागवत के महात्म्य धुंधुकारी की जो कथा है, प्रेतत्व से मुक्ति दिलाने वाला ग्रंथ, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। कथा के अनुरागी सज्जन और देवियों, भागवत के सुनने के नियम बतलाए गए, भागवत कहां कैसे सुननी चाहिए, क्या करना चाहिए, यह भागवत के महत्व है। यदि भागवत करवाई, तीर्थ में करवाई, वन में करवाई और घर में करवाई, तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणम मतम। भागवत जब करवाए तो जो उत्सव है उन्हें उत्साह पूर्वक मनाए, कृष्ण जन्म, गिरिराज पूजन, रुक्मिणी विवाह, इनको आनंद से। उत्सव का मतलब क्या है, बोले जिस समय उत्साह का प्रसव हो, जन्म हो। प्रभुदत्त ब्रह्मचर्य जी महाराज कहते थे उत्साहेन उत्सव। कथा के अनुरागी सज्जनों देवियों, कथा करवाए तो अपने पितरों का स्मरण करें। आप लोगों का सौभाग्य है, मुझे जैसा ज्ञात हुआ है कि मित्रा परिवार की जितनी भी सखियां हैं वो 7 दिन तक अलग अलग एक एक कपल बैठ करके पूजन करेगा, बहुत अच्छा है। आपके लिए पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा, आपको भागवत के पूजन का सौभाग्य मिलेगा। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जब आप भागवत सुनने के लिए आती हैं तो एक बात बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, क्या, आपके जो पूर्वज हैं, पितर हैं, वो वायु रूप से आपके साथ आते हैं और मास्फोट्यंत पितरा, ताल ठोकते मास्फोट्यंत पितरा नृत्यंत च पिता महा। आपके पर बाबा, परदादा, सड़बाबा जो पूर्वज नहीं हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे कथा सुनने जा रहे हैं, हम भी जाएंगे आपके साथ में। वायु रूप से वो कथा सुनने आते हैं और कथा सुनते हैं, और 7 दिन की कथा जब पूर्ण होती है उसके बाद में आपको आशीर्वाद देते हैं, आपने हमें कथा सुनवाई, हम आशीर्वाद देते, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। पितृन संतर्प शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरेत, जब कथा सुनने आए अपने पितरों को भी प्रणाम करे, हम आपकी कृपा से सुन रहे हैं, उनके द्वारा दिया हुआ शरीर, उनके द्वारा दिया हुआ वैभव, आज जो कुछ है वो पूर्वजों की कृपा। आइएगा पूजन कीजिएगा। और एक बात मैं कह दूं, यदि हो सके तो कर लीजिएगा, कोई आपको बंधन में नहीं डाल रहा हूं मैं, ना कभी कोई चीज थोपने का तो मेरा स्वभाव ही नहीं है। हो सके तो श्रीमद् भागवत जी की 108 परिक्रमा, न दे सके 51, न दे सके 11,
और इतनी भी न दे सकें तो कथा के बाद में, आरती के बाद में आप आइएगा, मैं बैठा रहूं उसी बीच में, एक भागवत जी की परिक्रमा दे करके प्रणाम करके, व्यास याने गुरु और भागवत माने गोविंद दोनों की परिक्रमा करके प्रणाम कर लीजिएगा। मैं गया सराफ परिवार में, दिल्ली में हम लोग जाते थे, नथबल गिरधारी लाल सराफ पूज्य पिताजी कथा करते थे, व्यास को बैठाकर परिक्रमा देते थे, वो मुझे याद है। और एक बात समझिएगा, भागवत जी में गान करते करते सुखदेव जी आ रहे हैं, तत्रा यजौ षोडश वार्षिकस्तदा, 16 वर्ष की आयु। अच्छा एक बात सुनो, भागवत में पहले जब भागवत होती थी संगीत था या नहीं? था था था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत का प्रमाण है। दिक्कत कहां है? दिक्कत वहां है जो आजकल लोग लिखते हैं, संगीतमय भागवत। आप सभी उस नगरी से हैं जहां पर भारत की सरकार को सबसे अधिक राजस्व जाता है, ये व्यापारिक नगरी है मुंबई। इसमें जिसका नाम पहले होता है उसी का वो अकाउंट माना जाता है। जैसे आपका नाम पहले आगे है, आपके संग में दूसरा नाम है, तो वो आपका अकाउंट माना जाएगा, ठीक है ना। संगीतमय भागवत होना क्या चाहिए? भागवतमय संगीत। दोनों में अंतर क्या है? संगीतमय भागवत में संगीत ही संगीत है, 3 घंटा में एक आध भागवत के कोई प्रसंग आ जाए तो बहुत समझना। और भागवतमय संगीत जिसमें भागवत होगी, बीच बीच में संगीत का भी आपको आनंद मिलेगा। ये संगीत में भागवत और भागवत में संगीत। बेटा इस जल के उधर ले जा, सुन सुन ले जा। हमारे राजा परीक्षित ने अमृत छोड़ दिया, अब मैं 10 मिनट में भागवत पूरी करने वाला हूं, ये पानी वानी पीना हो तो जाकर पी कर आना। तुम लोग पानी पियोगी यहां पर प्यास मुझे लगेगी। हाँ छोड़ो, तो भागवत में पहले संगीत था। प्रमाण क्या है? भागवत सुनिए। प्रहलाद स्थालधारी तरल गतया चोदवक कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशल तया राग करता अर्जनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय सुगरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। सुखदेव जी के सामने ये समस्त वाद्य यंत्र संगीत भागवत में थे। क्या करना चाहिए? बोले कि ये 7 दिन तक 12 स्कंध की श्रीमद् भागवत का आप पान कीजिए। क्या होगा कल्याण? कोई प्रमाण? बोले परीक्षित साक्षी या श्रवणगत मुक्तियुक्त कथने जगत सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पिव पर सुख हेतोर द्वादश स्कंध सारम। 12 स्कंध के सार का पान कीजिए। देखिए दिन जब ढलने लगता है तो लोग लाइट जला लेते हैं। आपको मालूम है कि सूर्यास्त कितने बजे होगा, तो लाइट की व्यवस्था होती है, पर हमारे जीवन का सूर्यास्त कब होगा ये तो किसी को मालूम नहीं है ना। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करना, क्या उजाले अपने नामों के, उजाले अपने नामों के हमारे साथ रहने दो। क्यों? बोले न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आपका यदि नाम हमारे साथ में रहेगा तो नाम के प्रकाश से जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों देवियों, एक भागवत का इतना महत्व है, यदि कोई जीवन में 108 भागवत करवाए,
अभी 22 जनवरी से अगले साल मेहदीपुर बालाजी में 108 भागवत है। वहां पर पहले महंत जी ने लगभग मैं समझता हूं 4 से 5 हजार भागवत के मूल पाठ करवाए होंगे अपने जीवन में। हर वर्ष मैं और मुझसे पहले पिताजी के द्वारा ये परंपरा प्रारंभ हुई, पिताजी के बाद में मैं चालू रहा। और इस बार गुप्त नवरात्रि है और वहां पर बालाजी में फिर 108 भागवत का आयोजन, जो वर्तमान में महंत हैं परम श्रद्धेय श्री नरेश पुरी जी महाराज। भागवत के टीकाकार श्री बंशीधर जी महाराज कहते हैं, अष्टोत्तर शत पारायण अस्मिन्नेव जन्मनि श्री कृष्ण साक्षात्कार। जो 108 भागवत होती है वो करवाई या तो या सहयोग करे तो उसी जन्म में उसे कृष्ण दर्शन प्राप्त होते हैं। अस्मिन्नेव जन्मनि श्री कृष्ण साक्षात्कार। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरत चारथे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमही। महात्म की कथा को मैं विराम दे रहा हूं। प्रथम स्कंध के प्रथम श्लोक का उच्चारण करके मैंने आज के नियम की पूर्ति की है। यद्यपि कथा को आगे बढ़ाता किंतु आप लोगों को देख करके मेरे अंदर के गोपाल कह रहे हैं, यार अब तो छोड़ दे, आप बहुत थकी हुई हैं, मैं जानता हूं। आज कथा को यहीं विराम दे रहा हूं और कल 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। हमारे जो संगीत के जो उपासक महाभाग हैं, यहां पर 15 से 20 मिनट पहले अपना कार्यक्रम चालू कर दें, ऐसे ढंग से आएंगे। और आपको ब्रज के रसिया, ब्रज का साहित्य सुनने को पूर्व में प्राप्त होगा, कथा में तो कथा के अनुसार ही मैं सुनवा पाऊंगा। इसलिए आप लोग आइएगा पहले, थोड़ा सा 15-20 मिनट ब्रज की उस रस विधा का आनंद लीजिए और उसके बाद में कथा रस का आनंद लीजिए। और कथा 3 बजे से प्रारंभ होगी, यद्यपि व्यवस्था के नाम पर 6 बजे तक है, पर ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 6 बजे तक है, क्योंकि कृष्ण जन्म आदि में जो समय बढ़ेगा वो मेरे बांके बिहारी जाने, उसमें कोई मेरे ऊपर में कोई वो प्रतिबंध नहीं है। ठाकुर जी जैसा आपके अंदर आपकी ग्राहकता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसा वैसा मैं सुनाऊंगा, आनंद लीजिएगा। एक बार जरा जोर से जयकार लगाइए, शुभ वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बाबरा अपनी ब्रिज की चीज थोड़ा सा नमूना तो दिखा दो, व्यापारी अपनी लग्गी लगाकर दाना दिखाता है, दाना दिखाओ। गुण रूप भरी श्यामा प्यारी, गुण रूप भरी श्यामा प्यारी, रस रूप भरे मेरे कुंज बिहारी, रस रूप भरे मेरे बांके बिहारी, गुण रूप भरी श्यामा प्यारी, गुण रूप भरी श्यामा प्यारी, गुण रूप भरी श्यामा प्यारी, गुण रूप भरी श्यामा
रंज बिहारी रस रूप भरे मेरे माँ की बिहारी नीलांबर सोहे गौर वरण नीलांबर सोहे गौर वरण नीलांबर सोहे गौर वरण नीलांबर सोहे मोरे मुकुट पीतांबर सोहे मोरे मुकुट पीतांबर सोहे मोरे मुकुट पीतांबर सोहे मोरे मुकुट पीतांबर सोहे जोड़ी हारी जोड़ी पे जाऊं बलिहारी हे रस रूप भरे मेरे कुंज बिहारी रस रूप भरे मेरे कुंज बिहारी मुरली मस्त सुहानी बजे उत मुरली मस्त सुहानी बजे उत मुरली मस्त सुहानी बजे उत मुरली मस्त सुहानी बजे श्री राधे ही राधे के कीर्तन में राधे ही राधे के कीर्तन में बस तारब है घन घोर यहाँ बस तारब है घन घोर यहाँ ब्रस भान सुता की पायल के घुंघरू का मचता शोर यहाँ घुंघरू का मचता शोर यहाँ श्री राधे श्री राधे ही राधे पुकारे सभी मन का नहीं चलता
जोर यहाँ करे प्रेम कोई अपना ले से जग होता है भाव विभोर यहाँ जग होता है भाव विभोर यहाँ ओए ते घुंघरू की कार बजे घुंघरू की कार बजे ते मुरली मस्त सुहानी बजे उत मुरली मा सुहानी बजे दोनों की धुन न्यारी न्यारी दोनों की धुन न्यारी न्यारी दोनों की धुन प्यारी प्यारी दोनों की धुन रस रूप भरे मेरे कुंज बिहारी रस रूप भरे मेरे कुंज बिहारी गुण रूप भरी श्यामा प्यारी 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 है रस रूप भरे रूप भरे मेरे कुंज बिहारी रस रूप भरे मेरे कुंज बिहारी भरे मेरे कुंज बिहारी रस रूप भरे मेरे कुंज श्री श्यामा श्री श्यामा एक बात आप सभी ध्यान दे लें कि अभी पहले आरती करवाएंगे और आरती के बाद में आज कथा का प्रथम दिन है श्री गणेश है इसलिए जो वृंदावन से झांकी वाले आए हैं आज गणेश जी की झांकी का दर्शन कीजिए। बहुत सी चीज होंगी आपकी अध्यक्षा कि जो मन में आएगी आपके हृदय से उनके मन में आएगी ये मुझसे नहीं कहेंगी तब भी मेरे मन में अपने आप आ जाएगी तो उसके बाद में आरती होगी और अभी आरती के बाद में आप एक कम से कम परिक्रमा अवश्य दें और मेरा आपसे सभी से निवेदन है जो आप दक्षिणा चढ़ाएं वो भागवत जी या बालकृष्ण के सामने चढ़ाएं मेरे हाथ में देने का प्रयत्न न करें क्योंकि उसे प्रतिग्रह लगता है इसलिए मना करता हूं। वैसे तो आप लोगों के सहयोग से ही हम लोगों के वृंदावन में सारे कार्यक्रम होते हैं आपके बिना उस यहां पर है क्या हम लोगों का लेकिन कृपया हाथ पर कोई भी राशि न दें और जैसे आज तीन यजमान उन लोगों को मैंने भैया थोड़ा बढ़ाओ तीन यजमान हैं उनको मैंने व्यासपीठ से आशीर्वाद भी दिया है और उनके लिए प्रसाद भी दिया है। जैसे जो देवी हैं उनके पति देवता नहीं है तो मैंने उनको माला दे दी वो घर पर जाकर उनको पहना देंगे। जो यहां पर भैया हैं और उनकी देवी यहां पर नहीं है तो उनको मैंने पहना दिया है वो उनको जाकर पहना देंगे। और आप सब लोग यहां पर जितने भी हैं जब आरती के बाद पुष्पांजलि हो जाएगी मेरा निवेदन एक रहेगा आज आरतियां कई हैं आराम से कर पाएंगी और पुष्पांजलि के लिए जो फूल होंगे वो यो न फेंकें एक आपके लिए थाली दे दी जाएगी और थाली में आप उन पुष्पों को रख दें और भागवत जी पर आ जाएंगे और उसके पश्चात में जब आप परिक्रमा देंगी परिक्रमा देने के बाद में मैं तुलसी दल जो भी मुझ पर उपलब्ध होगा या आचार्य जी और तुलसी दल ऊपर पूजा में हो तो ले आइए मंगवा लीजिए तो मैं आपको तुलसी दल दूंगा और गणेश भगवान की जो झांकी है उसका आप दर्शन करेंगे
बोलो गणेश जी महाराज की। गणपति बापा गणपति बापा। आइए आइए प्रभु सरकार आए। गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। बोलो गणेश जी महाराज की। आरती नीचे बहनों को भी दे दें। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ओ हरि धान यही हरि नाम यही, हरि धान यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये है मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप।
पाप से है तारे। सर्वगुण शांति है शांति रे व शांति है सामा शांति रे धी। हाँ, पहले अपने अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए। हर मान प्रथमान्यासन्ना कमयमाना सचंद्र अतुले साध्या संत देवा यशोदानंद नाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदया। प्रचोदयात् कुलजं पगपाटलां जयि उन्नागजातगरवीर रसान पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वर। नमः। अभी पुष्प थाली में रख दे। मैं यहाँ पर आज 16 तारीख से आपकी कथा चालू हुई है, उससे पहले दो दिन पहले मैं सिरसिले वाला परिवार यानी आपकी मित्रा बहन कविता सिरसिले वाला के यहाँ पर ही था। बहुत मेरी सेवा की, बहुत मुझे अच्छा लगा। और चूंकि उसका जन्मदिन, हम यहाँ पर व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं, उसका बहुत बहुत मंगल हो। और कृपया कविता सिरसिले वाला भी इधर आ जाए, ऊपर आ जाए। इनको आप सब लोग जन्मदिन की बधाई दें, इनको खूब भक्ति प्राप्त हो, आप सब लोगों के लिए भक्ति प्राप्त हो, इस मित्रा बहन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।